सिंगापुर से ही हम सबके नाक में दम किए हुए थे, अब सारण की धरती पर आ गए हैं तो जनता हमारा साथ देगी। ये बयान है लालू प्रसाद यादव के परिवार की एक सदस्य का, जो दिसंबर 2022 में काफी चर्चा में आई थी। दरअसल साल 2022 में लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में डॉक्टर्स की तरफ से उनको किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई थी और उन्हें किडनी उनके 9 बच्चों में से एक ने दी थी, नाम है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य अब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और बहन मीसा भारती के साथ मिलकर माता पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाने जा रहे हैं, बिहार की हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली सारण लोकसभा सीट से। वही सीट जहां से लालू प्रसाद यादव का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था और ये इलाका काफी हद तक राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ साल 1996 तक रहा। राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी के गढ़ में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। राजीव प्रताप रूडी ही यहां से मौजूदा सांसद हैं और 4 बार चुनाव जीत कर लालू प्रसाद यादव की बराबरी कर चुके हैं। रूडी साल 2014 में इस सीट से राबड़ी देवी, जबकि साल 2019 में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय के खिलाफ जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बार ये चर्चा हो रही है कि रोहिणी आचार्य के आने से इस बार रूडी के लिए रहा आसान नहीं रहने वाली है। अब रोहिणी आचार्य ने किस तरह से राजीव प्रताप रूडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और उनकी राजनीति में अचानक एंट्री कैसे हुई, सब विस्तार से जानते हैं। सारण सीट और छपरा सीट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको लेकर बता दें कि सारण सीट को पहले छपरा लोकसभा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 2008 में हुए परिसीमन के बाद सीट का नाम बदलकर सारण कर दिया गया। इतिहास टटोलने पर पता चला कि इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था साल 1957 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राजेंद्र सिंह ने इस चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद अगले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के रामशेखर प्रसाद सिंह को इस सीट से जीत मिली। फिर आया इमरजेंसी का दौर। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में चुनाव हुआ जिसमें लालू प्रसाद यादव ने जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की, पहली बार सांसद बने। इसके बाद 1989, 2004, 2009 में भी लालू यादव यहां सांसद रहे। साल 2013 में चारा घोटाले में सजा होने के चलते उनकी संसद सदस्यता चली गई और इसके बाद से उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई, यानी कि लालू यादव ने अपना पहला और आखिरी लोकसभा चुनाव इसी सीट से लड़ा था और उसे जीता भी, जबकि 2014 और 2019 में राजीव प्रताप रूडी इस सीट से जीते। अब बात वोटों के गणित की कर लेते हैं। साल 2020 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 17,30,733 मतदाता थे। यादव समाज के मतदाताओं की संख्या इस सीट पर लगभग 20% है, जबकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 9.5% है। वहीं 12% SC वोटर भी इस सीट पर है। इसके अलावा राजपूत, वैश्य और भूमिहार जाति के लोगों भी इस सीट पर ठीक ठाक संख्या में मौजूद है। ये तो हो गया इस सीट का लेखा जोखा। अब वापस लौटते हैं रोहिणी आचार्य पर, जिनकी उम्मीदवारी से सारण बिहार की राजनीति की एक हॉट सीट बन चुकी है। रोहिणी आचार्य का जन्म 1 जून 1979 में पटना में हुआ था। वो लालू यादव, राबड़ी देवी की 9 बच्चों में से दूसरे नंबर की संतान है। मीसा भारती से छोटी और तेजस्वी तेज प्रताप से बड़ी रोहिणी ने जमशेदपुर से MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है, हालांकि कभी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की है। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 24 मई 2002 को रोहिणी की शादी हुई समरेश सिंह से, जो सिंगापुर में IT सेक्टर में नौकरी करते हैं और रोहिणी भी उनके साथ सिंगापुर में ही रहती है। उनका और उनके परिवार का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन अखबार न्यूज़।